नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप लोग देख रहे हैं संतोष भट्टे। तो आज आप लोग के लिए एक वीडियो और लेकर आया हूँ जो कि बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जिसमें आप लोग को बताऊंगा कि एक सिस्टम में रह रहा है कि सिस्टम के अंदर डिटेक्ट कैरीज पोजिशन, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोग को मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 15 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं उस दिन आप लोग एक असेंबल मशीन करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जो कि आप लोग भी असेंबल इजी से कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को इतना ज्यादा सपोर्ट दीजिए और प्यार दीजिए, जैसे कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट देखते हैं तो मैं उस कमेंट को भी पढ़ता हूँ, रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल पर सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो मैं चलिए बताता हूँ कैसे आप लोग को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सिस्टम पे कैन नॉट डिटेक्ट द सिग्नल ऑफ कैरिज पोजीशन इनकोडर इन रिसेट एक्शन हेल्ड टू रिसेट एक्शन। ठीक है, तो ये अभी हमको मैसेज मिल रहा है और हमारे एक सब्सक्राइबर को भी ये प्रॉब्लम आई थी जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि मिल गया है मुझे प्रॉब्लम की मशीन। तो मैं उसको अभी ठीक करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा अभी कैसे कैसे करना है, आप लोग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हेड को मूव करने पे कैसे ऑटोमेटिक मूव हो रहा है। ठीक है, जो कि देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा था थोड़ा सा, तो अभी देखिए अभी मशीन चालू है, बट यहाँ पर देख सकते हैं मैं हेड को जैसे मूव कर रहा हूँ, मूव हो रहा है ऑटो। ठीक है, हालांकि जब मशीन चालू रहती है तो हेड जो है मूव नहीं करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हेड जो है मूव कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं, और मैं जैसे लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो लेफ्ट राइट हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग जी। और आप लोग ये बात मत कहिएगा कि एक ही मशीन पर मैं वीडियो शूट करता हूँ, क्योंकि इस मशीन को टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लगाया गया है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर इसमें तो उस पर मैं वीडियो बना कर आप लोगों को डालता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं मैं मूव कर रहा हूँ तो मूव हो रहा है। हालांकि और एक प्रॉब्लम ये भी होती है, यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा पिन है यहाँ पर। ठीक है, मैं उस साइज से पीछे से दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं ये लिमिटर स्विच है जो कि लिमिट स्विच जो कि कैरिज पोजीशन यहाँ पे आता है, और जैसे यहाँ पे जाएगा और देख सकते हैं जैसे जाएगा तो ये टच करेगा। ठीक है, देख सकते हैं वीडियो में आप लोगों को दिख सकता होगा जो कि यहाँ पे है। ठीक है, देख सकते हैं कि मैं जैसे कैरिज पोजीशन पर लगा तो टच किए यहाँ पर रुक गया। तो उसके लिए स्विच लगाई जाती है कि हेड को आगे ना जाने दे, मतलब यहाँ से ये जो पार्ट दिख रहा है आपको इससे आगे ना जाने दे। ठीक है, उसके लिए लिमिट स्विच के यूज किया जाता है। ये स्विच दोनों तरफ लगाई जाती है, ठीक है, किसी किसी मशीन में नहीं लगाया जाता है। तो आप लोग को बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ये है, मैं इधर आपको ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉब्लम ये है जो मोटर हमारा है मोटर ही। ठीक है, मोटर में ही प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम हो लेकिन मोटर में ही प्रॉब्लम हमारी है। ठीक है, तो अभी मैं उस साइड से पीछे दिखा रहा हूँ क्या करना है आपको, कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटर है, मोटर को पूरा मैं इधर से अभी खोला नहीं हूँ, बस मैं देख रहा हूँ इसका वायर देखिए यहाँ से आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें दो वायर होते हैं, इसमें दो वायर होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं खोल के दिखाऊंगा कैसे दो वायर लगा रहता है और क्या करना है आपको, कैसे करना है ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलईडी ब्लिंक कर रही है रेड कलर की। अगर यहाँ पे मोटर सही रहता है तो एलईडी नहीं ब्लिंक करती है, ओनली ग्रीन कलर की ही ब्लिंक करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एलईडी ब्लिंक कर रही है, तो ब्लिंक नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे क्यों एलईडी ब्लिंक कर रही है।
तो अभी मोटर में सप्लाई नहीं जा रहा है, इसकी वजह से ये एलईडी ब्लिंक कर रही है। चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। तो यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं कि अभी एलईडी ब्लिंक कर रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं मोटर की सप्लाई है, 24 वोल्ट की होती है मोटर की सप्लाई, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की। तो चलिए हम लोग मल्टीमीटर की सहायता लेते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि हम निकाल लिए हैं और मल्टीमीटर खोलेंगे, बजर मोड पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बजर मोड, देख सकते हैं आप लोग ईजी बजर मोड पर है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दोनों टच करेंगे तो बीप की आवाज जाएगी। अगर मोटर सही रहेगा तो इसमें लगाने के बाद फेस और निगेटिव को तो बीप की आवाज आनी चाहिए। तो देख सकते हैं कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। निगेटिव पॉजिटिव में लगाते हैं, निगेटिव निगेटिव में, तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है बीप की, इसी में नहीं आ रही। और इसमें भी लगाते हैं तो देख सकते हैं किसी में भी नहीं आ रहा है, बीप की आवाज़ आ ही नहीं रहा, ना ही कोई वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। मोटर सही रहेगा, हो सकता है इस वायर में ही कमी हो, तो हम लोग पहले वायर को चेक करेंगे प्रॉपरली, उसके बाद हम लोग मोटर को खोलेंगे, ठीक है। कभी कभी मोटर के जो वायर आते हैं, जो ये वायर है, रिपर को खोलने के बाद देखा जाएगा तो ये भी क्रिप्ट हो जाते हैं। तो पहले हम लोग खोल लेते हैं अच्छे से। तो आप लोग केयरफुली काम कीजिएगा, वरना आप लोग को कुछ और मिस्टेक आ सकती है। तो पहले हम लोग इस रिपर को निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए प्रॉपरली निकालिएगा, ज़्यादा ज़ोर जबरदस्ती की नहीं, आराम से निकालिए जैसे मैं निकाल रहा हूँ धीरे धीरे। या आप किसी कटर का मदद ले सकते हैं फाड़ने के लिए, ठीक है। तो अभी ये फट नहीं रहा है, बीच से पकड़ के धीरे धीरे निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है इस पर, धीमे धीमे आप निकालेंगे तो निकल जाएगा, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ अभी, देख सकते हैं फट नहीं रहा, तो देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग चेक करते रहिएगा और पूरे खोलने के बाद आप चेक कीजिएगा, किसी बार में अगर वोल्टेज नहीं जाएगा तो भी नहीं चलता है, इसलिए पहले हम लोग इसको खोलेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कौन सा वायर में क्या फॉल्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं रैपर निकालते जा रहा हूँ, हो सकता है वीडियो बहुत लंबी होगी तो मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, जैसे कि मैं थोड़ा और फाड़ दिया, अब रैपर को निकालने के बाद देखा जाएगा पूरी मोटर की जो वायर गई है। तो देख सकते हैं लगता है यहाँ पे ब्रेक टाइप का, तो रिपर निकालते हैं। हम लोग थोड़ा सा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वायर को यहाँ से क्रेप था तो मैंने कट करके न्यू वायर डाल लिया। तो अभी हम लोग फिर से चेक करेंगे इसमें मल्टीमीटर की सहायता से, वायर अभी ये वाला प्रॉपर है या नहीं जो मैंने लगाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग बीप आ रहे हैं, बीप की साउंड यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, बीप की साउंड आएगी, देख सकते हैं वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। तो इन सब में नहीं आएगी दोनों में, क्योंकि यहाँ पे अभी आगे कनेक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको पकड़ा और अगले वाले पोज वायर में चेक करेंगे, सब में अगर बीप आ रही तो मोटर सही है गया। यहाँ पर देख सकते हैं पहले, तो देख सकते हैं इसमें भी बीप आ रही है, इसमें भी आ रही है, इस वाले का तो वायर कट है इसलिए नहीं आ रही है। फिर से मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं बीप आ रही है जी, और यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। कुछ वैल्यू दिखाता है बट आ गया, यानी कि हमारा मोटर जो अभी प्रॉपर तरीके से सही हो गया।
ठीक है, मैं पहले इसके वायर को अच्छी तरह से जोड़ दूँ। अब मैंने खोलने के बाद देखा कि वायर क्रिप था, इसमें यहाँ तक वायर में जो सप्लाई नहीं आ रही थी, तो मैंने कट करके न्यू वायर इसमें डाल दिया यहाँ तक, तो अच्छे से आ रही है। अभी हम लोग लगा के देखेंगे हेड जो है लॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं एक बार और आप लोगों को टेस्ट करके अब दिखाता हूँ पूरे वायर लगाने के बाद। तो मोटर जब सही रहता है तो यहाँ पे बीप आती है, तो किसी में लगाइए सिरा और दूसरे सिरा लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बेलू आ रही है, ठीक है, तो सब में बीप भी बज आ रही है। अब मैं इसको ड्राइवर बोर्ड में लगाता हूँ, केयरफुली लगाइएगा आप लोग जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। तो वो इंसर्ट कर दिया, अभी मैं इस पर कोई टेप नहीं लगाऊंगा, अभी चेक करने के बाद मैं टेप लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई भी 220 वोल्ट की, इसलिए मैं केयरफुली हमेशा बोलता हूँ केयरफुली आप लोग काम कीजिएगा। तो अभी ऑपरेटर जो है चालू करेंगे सॉफ्टवेयर, फिर यहाँ से इसमें आप लोग को एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ से मैं 24 वोल्ट आती है, ठीक है, ड्राइवर को चलाने के लिए 24 वोल्ट आती है, हालांकि इसको 600 पर रखेगा डीसी 600, और देख सकते हैं 23 और माइनस प्लस करके देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 24 वोल्ट टोटल आती है, ठीक है, ड्राइवर को चलाने के लिए 24 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर से इंसर्ट कर दिए और हम लोग देखेंगे अभी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा मोटर जो लॉक हो गया है, जो मशीन चालू होने पर भी कैरिज मूव कर रहा था अब मूव नहीं करेगा। यहाँ पर एलईडी जो देख सकते हैं ग्रीन ही जल रही है, रेड जो है ब्लिंक नहीं कर रही है। तो यही वायर था देख सकते हैं जो वायर क्रेप था, मैंने इसमें न्यू डाल दिया तो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, और इसमें एक चीज़ और दिखा दे आप लोग बता देना चाहता हूँ, इसको मैं रिपल लगाने के बाद फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो एलईडी अभी ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर है, चल सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर प्रॉब्लम रहती तो एलईडी जलती है रेड कलर की, यहाँ से देख सकते हैं किस कंपनी का है, ACS 606 मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश आप लोग को कर रहा हूँ। और ये 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट सप्लाई में आती है, और ये वाला जो है आपका मोटर में 24 वोल्ट जाती है उसकी सप्लाई है, ठीक है। तो 24 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों में 24 24, और ये है आपका डाटा ट्रांसफ़र है, और ये जो है बैरिक से लगी है जो UMC बोर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं UMC बोर्ड से, UMC बोर्ड, हाँ ये देख सकते हैं UMC बोर्ड का, इस साइड से लगा कर, इस साइड से लगा कर देख सकते हैं जा रहा हुआ है, और यहाँ के ड्राइवर में लग गया है, ठीक है, जो कि डाटा ट्रांसफ़र करता है कंट्रोलर के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मशीन चालू भी है और यहाँ पर मूव भी नहीं कर रहा, तो आप लोग इजी देख सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं। तो हालांकि अभी मशीन प्रॉपर तरीके से लॉक हो चुकी है, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटर साहब जो है मशीन को चलाने जा रहे हैं, आप लोग देखिए, तो देख सकते हैं अभी लाइट रिपिंग के लिए लगा है। तो ये मशीन है जो देख सकते हैं ऑन है, और ये पुली है देख सकते हैं, पुली हिलाने से भी नहीं हिल रही है, घूम रही है, देख सकते हैं हल्का सा भी मूव नहीं कर रहा है। मशीन रहता तो कितना भी जोड़ लगा लो मूव नहीं करेगा,